नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में आज से दिखेंगे ये चार बड़े बदलाव। हनुमास मेला में महिलाओं के बीच दिखा गजब का उत्साह। के पाठक ने कोचिंग कक्षाओं को लेकर दिया 3 निर्देश। आज दिखेगा साल का दूसरा सुपर मून। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर लगी मुहर। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगाए गए, जिसमें सिवर जिला में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस 2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निजी भूमि रहती लीज नीति 2014 के तहत 501 एकड़ भूमि लिए जाने हेतु कुल राशि 2,60,52,000 रुपए मात्र तथा विद्यालय भवन के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राकलन के आलोक में प्राकलित राशि 46,35,28,000 रुपए लागत राशि पर भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जनहित में कर देयता के दायरे से बाहर हुए वैसे परिवहन एवं गैर परिवहन वाहनों को बकाया एकमुश्त पथकर हरित कर के साथ आंशिक अर्थदंड जमा करने और शेष अर्थदंड से विमुक्ति लिए जाने का प्रावधान किया गया है तथा वाहन व्यवसायियों द्वारा बकाए व्यापार कर एवं अस्थायी निबंधन की फीस को एक मुश्त जमा करने पर उस पर लगाने वाले अर्थदंड सर्व क्षमा प्रदान की जाएगी एवं कर प्रमादी परिवहन एवं गैर परिवहन कर के दायरे में आ जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के तरफ से बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही कई अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई। बिहार में आज से दिखेंगे ये चार बड़े बदलाव। आज से अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में महीने की पहली तारीख को कई चीजों में हमें बदलाव देखने को मिलता है। इसी कड़ी में आज से बिहार में भी चार बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला बदलाव राज्य के 12 जिलों में मैनुअल ट्रैफिक चालान बंद होना है, यानी कि आज से इन 12 जिलों में ई चालान काटे जाएंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि आज से शिक्षा विभाग के सारे कार्यालय जैसे सचिवालय निदेशालय समेत सभी कार्यालय पेपरलेस हो जाएंगे, यानी कि अब शिक्षा विभाग के कार्यालय के सारे काम ई सिस्टम ऑफिस पर किया जाएगा। हालांकि अभी कंप्यूटर सिस्टम के प्रतिस्थापन और दूसरी सुविधाओं से जुड़ने में कुछ समय लग रहा है, इसलिए वर्तमान में हाइब्रिड सिस्टम पर काम करने की छूट दी गई है। वहीं तीसरा बदलाव यह है कि आज से राज्य के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन ऐप से हाजिरी ली जा रही है। इसके अलावा चौथा बड़ा बदलाव यह है कि आज से बिहार की राजधानी पटना में 15 अगस्त तक सड़कों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जाएगा और ऐसे में कोई गंदगी फैलाता नजर आता है तो उसे 500 रुपए के जुर्माना देने पड़ सकते हैं। अस्पतालों में इलाज के लिए डॉक्टरों की नहीं होगी कमी। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके और राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए डॉक्टरों की कमी ना हो, इसके लिए पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और अब जल्द ही इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट भेजा जाएगा, जहां इसे मंजूरी मिलते ही इसे राज्य स्तर पर लागू कर दिया जाएगा। मालूम हो कि इस कैडर के बन जाने से इलाज करने वाले चिकित्सक और प्रशासनिक काम करने वाले दोनों अलग अलग रहेंगे। इसके साथ ही उनका भी कैडर अलग होगा जो मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन का कार्य करते हैं। इन सबके अलावा विभाग की ओर से खाली पदों को भी भरने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि अगर बिहार में ऐसा हो जाता है तो बिहार ऐसा करने वाला देश का 6ठा राज्य होगा। आज दिखेगा साल का दूसरा सुपर मून। आज यानी कि 1 अगस्त को साल का दूसरा सुपर मून दिखने वाला है। मालूम हो कि इस महीने 2 सुपर मून दिखने वाले हैं, जिसमें से पहला सुपर मून आज तो वहीं दूसरा सुपर मून 30 अगस्त को दिखाई देने वाला है। मालूम हो कि आज रात को दिखने वाला सुपर मून अन्य सुपर मून की तुलना में अधिक बड़ा होगा, क्योंकि वह धरती के बेहद करीब होगा, इसलिए आप इसके रंग को भी आसानी से देख सकेंगे। इसको लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दिन पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा लगभग 5 डिग्री की कोण पर झुकी हुई होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटिश वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सुपर मून एक दुर्लभ और प्रभावशाली चंद्र घटना है, जिसे साल में केवल कुछ ही बार देखा जा सकता है। के पाठक ने कोचिंग कक्षाओं को लेकर दिया 3 निर्देश। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अब कोचिंग संस्थानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसको लेकर जिलों के पदाधिकारियों को पत्र लिख नया फरमान जारी कर दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थानों की कक्षाएं संचालित करने की अनुमति न दी जाए। कोचिंग संस्थान अपने यहां सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों व कर्मी को टीचिंग फैकल्टी में न रखें और संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी या पदाधिकारी को रखा गया है तो उसकी सूचना DM को अवश्य दी जाए। बता दें कोचिंग संस्थानों में इस नियम को
को सख्ती से 31 अगस्त 2023 के बाद से लागू किया जाएगा। मालूम हो कि इसके लिए डीएम को 3 चरणों में अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है, जिसके पहले चरण के तहत 1 से 7 अगस्त तक सभी जिलों के कोचिंग संस्थानों की सूची बनेगी, फिर 8 से 16 अगस्त तक दूसरे चरण के तहत कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक बुलाई जाएगी और फिर तीसरे चरण के तहत 16 से 31 अगस्त के बीच कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा। मलमास मेला में महिलाओं के बीच दिखा गजब का उत्साह। राजगीर में लगे हुए विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले में महिलाओं का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा। मालूम हो कि 18 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक करीब 131.55 लाख श्रद्धालु या पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें ब्रह्मकुंड में स्नान करने की, तो उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 4 गुना अधिक है। बता दें कि 30 जुलाई तक विभिन्न कुंडों में महिला श्रद्धालुओं की संख्या 44.7 लाख तो वहीं पुरुष श्रद्धालुओं की संख्या 11.2 लाख है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मलमास मेला में मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध है। दिन में जहां श्रद्धालुओं की भीड़ ब्रह्मकुंड परिसर वैतरणी एवं सरस्वती नदी घाट पर स्नान के लिए उमड़ती है, तो वहीं रात में पर्यटकों की भीड़ मेले में झूले खेल तमाशे की दुकानों पर आनंद लेने के लिए पहुंचती है। रात के वक्त पूरा राजगीर सतरंगी रोशनी में सराबोर हो जाता है और मनमोहक दृश्य देखते ही बनता है। बिहार को मिलने लगी 396 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। बाढ़ परियोजना के कार्यकारी निदेशक असित दत्ता के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 के 600 मेगावाट की दूसरी इकाई से वाणिज्यिक बिजली उत्पादन की शुरुआत हो चुकी है, जिससे कि अब बिहार को अतिरिक्त 396 मेगावाट बिजली उपलब्ध होने लगी है। वहीं इसके शेष बिजली झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम राज्य को उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं निदेशक असित दत्ता के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बाढ़ स्टेज 1 की तीसरी और अंतिम इकाई का काम प्रगति पर है और इसे अगले साल तक पूरा कर देने की भावना जताई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार को अतिरिक्त 396 मेगावाट बिजली मिलने से अब बिहार के बिजली का कोटा 1526 मेगावाट से बढ़कर 1922 मेगावाट हो गया है। बीएसएफ इंस्पेक्टर को शराब के साथ किया गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की ओर से काफी कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ सुधार देखने को नहीं मिल पा रहा। बता दें कि ताजा मामला खगड़िया जिले के मानसी थाना इलाके का है, जहां पुलिस के द्वारा 32 बोतल विदेशी शराब और 235 फ्रूटी पैकेट शराब के बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही पुलिस के द्वारा एक बीएसएफ इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान इंस्पेक्टर आलोक कुमार रवि के रूप में की गई है, जो कि कटिहार जिला अंतर्गत कड़ागोला गांव निवासी है। आज से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा विश्व स्तनपान सप्ताह। आज से यानी कि 1 अगस्त से स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हो गई है, जो कि 7 अगस्त तक चलने वाली है। बता दें कि यह हर वर्ष मनाया जाता है। ऐसे में इस वर्ष इसका थीम एनेबल ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग वुमेन निर्धारित किया गया है। मालूम हो कि सप्ताह में राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सदर अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित होने वाले कार्यक्रम के तहत हेल्दी बेबी शो का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें माताएं और उनके 5 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। बता दें कि इस प्रतियोगिता में शामिल बच्चे व उनकी माताओं के आशा और ANM के द्वारा स्वास्थ्य और ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे। वहीं जो इस प्रतियोगिता में सफल होंगे उन्हें प्रथम पुरस्कार के तहत 1000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के तहत 500 रुपए और तृतीय पुरस्कार के तहत 250 रुपए दिए जाएंगे। ट्रेन में हथियार लेकर ड्यूटी नहीं करेंगे तनावग्रस्त जवान। बीते दिन महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में RPF कांस्टेबल द्वारा AK-47 से की गई गोलीबारी और उससे हुई मौत की गंभीरता को लेते हुए रेलवे बोर्ड की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि बोर्ड की ओर से इस घटना को लेकर सभी रेल मुख्यालय के RPF अधिकारियों को सतर्क रहने और साथ ही तनावग्रस्त RPF कर्मियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि रेलवे बोर्ड की ओर से इस घटना के तुरंत बाद एक बैठक बुलाकर यह निर्देश दिया गया है कि अगर रेल सुरक्षाकर्मी किसी तनाव में है तो वह बेझिझक इसकी जानकारी पदाधिकारी को दे और बात करें, ताकि उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। इसके साथ ही बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि जो RPF स्टाफ तनाव में होंगे उन्हें ड्यूटी के दौरान हथियार नहीं दिया जाएगा। KK पाठक के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में PIL दायर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के खिलाफ TET/STET पास नियोजित शिक्षक संघ के द्वारा पटना हाई कोर्ट में कार्रवाई को लेकर याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। मालूम हो कि शिक्षक संघ की ओर से यह याचिका इसलिए दायर की गई है क्योंकि KK पाठक द्वारा आंदोलन में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई की गई और इसके साथ ही शिक्षकों की छुट्टियों को रद्द किया गया, वेतन स्थगित करने सहित और अन्य प्रकार से बिहार के नियोजित शिक्षकों के बीच भय का माहौल पैदा आदि कार्य किया गया। मालूम हो कि KK पाठक के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हाल में ही कई बदलाव किए गए हैं, जिससे शिक्षक संघ पूरी तरह से सहमत नहीं है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में आई इतनी गिरावट।
आज 1 अगस्त को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के द्वारा कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कटौती कर दी गई है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 99.75 रुपए की कमी की गई है, जिससे कि देश की राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 1,680 रुपए हो गई है। मालूम हो कि इससे पहले इसकी कीमत 1,780 रुपए थी। हालांकि घरेलू एलपीजी के सिलेंडर में दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में अगर आप भी एलपीजी सिलेंडर का अपडेट रेट लिस्ट देखना चाहते हैं तो iocl.com/prices-of-petroleum-products लिंक पर जाकर देख सकते हैं। फ्लाईओवर से बदलेगी राजधानी की सूरत। बहुत जल्दी बिहार की राजधानी पटना की सूरत फ्लाईओवर हरियाली के साथ खेल मैदान और मूलभूत सुविधाओं के साथ बदलने वाली है। मालूम हो कि पटना के सबसे व्यस्तम मार्ग नेहरू पथ की भी शक्ल बदलने वाली है। इसके साथ ही शेखपुरा मोड़ से जगदेव पथ के बीच न सिर्फ पुल के नीचे हरियाली होगी बल्कि यूरिनल, शौचालय और व्यवस्थित पार्किंग का निर्माण भी किया जाएगा। बता दें कि बेली रोड के नीचे के स्थल को विकसित और सुंदर बनाने के लिए करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं। यहाँ पटना जंक्शन से 8 ब्लॉक की पर पुल के नीचे पौधारोपण किया जाएगा और साथ ही कई नागरिक सुविधाएं भी बहाल करवाई जाएंगी। मालूम हो कि हरियाली विकसित करने के लिए वन विभाग को नगर निगम की ओर से राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। फिलहाल इन सभी कार्यों को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है और साथ ही शौचालय और यूरिनल के निर्माण को लेकर जगह को भी चिन्हित किया जा रहा। बिहार के सभी एनडीए सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी। 3 अगस्त को बिहार के लोकसभा और राज्यसभा के सभी 27 एनडीए के सांसदों से प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है। बता दें कि यह मुलाकात देश की राजधानी दिल्ली में होगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य बिहार में एनडीए को सर्वाधिक सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सभी सांसदों को अभी से अपने क्षेत्र में सक्रियता दिखाने को कहा जाएगा। वहीं भाजपा नेताओं के मुताबिक बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 2024 के संसदीय चुनाव जीतने के और क्यों और कैसे के बारे में बात करेंगे और साथ ही एनडीए के घटक दलों के साथ अपनी केमिस्ट्री बनाने के अलावा इस संबंध में उन्हें अपना मंत्र भी देंगे। सचिन तेंदुलकर ने स्टुअर्ट ब्रॉड को बेहद ही खास अंदाज में दी विदाई। दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंटरनेशनल करियर से संन्यास ले लिया है। ऐसे में उनके संन्यास के बाद कई दिग्गज के द्वारा उनको लेकर पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम भी शामिल है। मालूम हो कि सचिन तेंदुलकर के द्वारा स्टुअर्ट ब्रॉड को बेहद ही शानदार तरीके से विदाई दी गई जो कि अब वायरल हो रही। दरअसल सचिन तेंदुलकर के द्वारा अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि एक अद्भुत करियर का अंत हो गया। स्टुअर्ट, आपका अथक मंत्र और अटूट समर्पण हमेशा क्रिकेट के इतिहास में अंकित रहेगा। आपके करियर का उचित अंत, अगली पारी का आनंद ले। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कमलेश शर्मा, उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, भान प्रकाश मौर्य, गोनर शर्मा, राजकिशोर मतो, कामेश्वर पीडी सिंह, जमशेर आलम, अनवर करीम खान, मुट्टू रंगीला, नौसद अंसारी, सदुल्ला पलवी, मोहम्मद सकीर हुसैन, लखी कुमारी, अर्जुन राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में किस विकास कार्य की सबसे ज्यादा जरूरत है जिसकी मांग आप सरकार से करना चाहते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।